बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिदा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं सेवइयाँ, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पैक सेवइयों का लिया, उसको मैंने देसी घी में पहले उनकी बुनाई की है। अब इसमें दूध ऐड करते हैं। ये मैंने दूध ऐड किया, अब थोड़ी देर इसको पकाएंगे, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। पहले मैंने ये देखें देसी घी में इनकी बुनाई की है। थोड़ा सा ये पक जाएगा, दूध गाढ़ा हो जाएगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी। इनको पहले देसी घी में इनकी बुनाई की है बस हमने, और मैं इसमें दूध ऐड किया। एक पैक सेवियों का था और एक लीटर दूध है जो मैं इसमें ऐड किया। आप भी इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपसे भी बहुत अच्छी सेवइयाँ बनेंगी। सारी स्टेप्स को इसी तरह आपने फॉलो करना है। जब ये तैयार हो जाएंगी, इसमें आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। किसी को पसंद होते हैं, किसी को नहीं होते, तो आपने अपनी मर्ज़ी से वो इसमें ऐड कर लेने हैं। हम इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको उबाल आने दें। जैसे इसमें उबाल आएगा ना, मैं इनकी आपको दिखाऊंगी फाइनल क्या होती है। इसको पास खड़े होकर आपने हिलाते रहना ताकि ये बिल्कुल ही ज़्यादा ना उबल जाए। दरमियानी आंच पे मैं इनको पका रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा इनमें वो उबाल आएगा तो फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। आपने जितना आपने सेवइयाँ बनानी है उस हिसाब से आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। ये एक पैक सेवइयाँ और एक लीटर दूध है, तो इस हिसाब से अगर ज़्यादा आप बनाना चाहें तो आप उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। ऐसे इसको चम्मच मारते रहे, थोड़ा सा पकेगा तो ये दूध गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसमें चीनी ऐड करते हैं। अब चीनी ऐड हो गई है जिसमें, ये देखिए पकते हुए, इसको 2-4 मिनट हो गए, उबाला आ गया। अब इसमें हमने उबाल आने के बाद आधा कप चीनी ऐड की है। आधा कप चीनी ऐड किया देखिए जी, ये पक पक के अब इतनी अच्छी है, फाइनल लुक आ गई है। ये देखें बिल्कुल गाढ़ी हो गई हैं ये सेवइयाँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है इनकी, बिल्कुल दूध भी गाढ़ा हो चुका है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और आप इसको ट्राई कीजिएगा, उसके बारे में मुझे रिव्यू दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।